सुबह डिक्शनरी क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में लेकर आए हैं फ्रेंड्स पी का 228 पार्ट। यहाँ पर टोटल एपिसोड की बात करें तो 1926 यहाँ पर है। और आज के इस वीडियो का जो सबसे पहला वर्ड है वो है आप लोग का पोन। देखिए इसका उच्चारण करेंगे हम लोग पोन या पोनी, ठीक है, दोनों होता है, पोनी या पोन। तो इसका मतलब होता है मकई की रोटी। यहाँ पर जो दूसरा वर्ड फ्रेंड्स आप लोग को पोनेंट, पोनेंट भी होता है फ्रेंड्स पश्चिमी। और फ्रेंड्स आप लोग को हम डब्ल्यू वाले में बताए थे WSTERN वेस्टर्न, इसका मतलब भी होता है आप लोग का पश्चिमी। ओके यहाँ पर तीसरे वर्ड पर चलते हैं पोंजी। देखिए पोंजी भी होता है फ्रेंड्स चीनी रेशम, OPONGEE। यहाँ पर चौथा वर्ड है आप लोग का पोनी आर्ड। देखिए पोनी आर्ड भी होता है फ्रेंड्स खंजर या फ्रेंड्स कटार। ओके यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड है आप लोग का पांचवा वर्ड पोंटेज। शायद आप लोग को ये वर्ड पता हो तो पोंटेज का मतलब होता है फ्रेंड्स पुल पर जाने आने का कर, कर मतलब होता है टैक्स। ओके उसी हम कर की बात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट वर्ड है आप लोग का पोंटिप। पोंटिप में जो होता है फ्रेंड्स रोम का पादरी, सॉरी रोम का प्रधान पादरी। इस वीडियो का जो लास्ट वर्ड है फ्रेंड्स पोंटून। देखिए पोंटून तो आप लोग जानते ही हैं नाव या पीपो का पूल, PONTOON। सो गाइस एक बार और रिपीट करते हैं, सबसे पहला वर्ड बताएं आप लोग को पोन या पोनी, मकई की रोटी होता है। पोनेंट भी होता है फ्रेंड्स पश्चिमी। पोनजी आप लोग बताए हैं चीनी रेशम। पोनी आर्ड में होता है फ्रेंड्स खंजर या कटार। पोंटेज में होता है फ्रेंड्स पुल पर आने जाने का कर। पोंटिप आप लोग बताए हैं रोम का प्रधान पादरी। इस वीडियो का जो लास्ट वर्ड बताएं आप लोग को पोंटून, इसका मतलब होता है नावो या पीपो का पुल। ओके चलिए फ्रेंड्स आगे मिलते हैं आप लोगों से पी का 229 पार्ट में। नमस्कार।